चेक 1 2 3 एंड वी आर रोलिंग। यस रोलिंग है ना भैया, ऐसा तो नहीं है उन्होंने बोल दिया और तुम नाक कटवा दो कहीं बाद में। ठीक है चलिए रोलिंग। ओके चलिए, राजकुमार राव भी डॉक्टर हैं। घर का डॉक्टर हूँ, मतलब घर में किसी को सर दर्द होता है तो मैं बोल देता हूँ डिस्प्रिन खा लेना। तो ये मान गए थे आराम से, कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगे थे? पता नहीं आप बोलो। तो मैं उन लोग ऐसे मत दे। मैं चाहता हूँ एज एन एक्टर मजा उसी में है कि जब आप हर फिल्म में कुछ नया कर रहे हो, ऐसे कैरेक्टर निभाने हैं जो लोगों तक पहुंचे, जो लोग उन किरदारों से रिलेट करें, उनको पसंद करें, वही मजा एक्टिंग का, उसके अलावा कोई मजा नहीं है। फिल्म बहुत अच्छी है एंड दैट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस एज एन एक्टर एंड एज अ टीम वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट द फिल्म विल वर्क। चेक करना है? चेक 1 2 3 एंड वी आर रोलिंग। यस रोलिंग है ना भैया, ऐसा तो नहीं है उन्होंने बोल दिया और तुम नाक कटवा दो कहीं बाद में। ठीक है चलिए रोलिंग। ओके चलिए भाई, हमारा हिट है पहले से और आप सबकी बहन सान्या भी हिट है। मेरी नहीं, इसलिए मैंने भाई और बहनों नहीं बोला था। सो आपने पहले ही हिट कॉम्बिनेशन ले लिया है, डॉक्टर शैलेश डायरेक्टर हैं। तो राजकुमार मामला पूरा का पूरा हिट है एकदम। आप खुद कितने बड़े हिट हैं? मैं तो बहुत हिट हूँ बस फिर। मैं तो आपने कह दिया। तो क्या कोई प्रेशर है? नहीं, प्रेशर यही है कि एक अच्छी फिल्म बनाई है हमने और तो यही है कि वो फिल्म लोगों तक पहुंचे, लोग देखें, तो वही प्रेशर है क्योंकि जब अच्छी फिल्म का चलना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी सिनेमा की ग्रोथ के लिए। वो बहुत जरूरी है कि अच्छी फिल्में लोगों तक पहुंचे, तो वही एक जिम्मेदारी है कि क्योंकि बहुत बुरा लगता है, बहुत सब बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी फिल्में होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं किसी भी कारणवश। तो मुझे एज अ सिनेमा लवर, एज अ हिंदी सिनेमा लवर, मुझे लगता है कि यार अच्छी फिल्मों का चलना बहुत जरूरी है। तान्या एनी प्रेशर? क्योंकि ऑलरेडी ये बड़ी हिट फिल्म है और बड़ा हिट कॉम्बिनेशन है आप दोनों का। मतलब गूगल पे अगर आप दोनों की फिल्मोग्राफी देख रहा था मैं, मतलब मुझे लगा यार इनकी तो एक भी ऐसी फिल्म नहीं है जो या तो हिट ना हो या उसकी तारीफ ना हुई हो, आपकी भी और इनकी भी। सो आपने आंसर कर दिया मेरा क्वेश्चन कि कोई प्रेशर नहीं है और जैसा राज ने बोला कि फिल्म बहुत अच्छी है एंड दैट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस एज एन एक्टर एंड एज अ टीम वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट द फिल्म विल वर्क। अच्छा डॉक्टर शैलेश, हम अभी इंटरव्यू से पहले जब बात कर रहे थे तो मैंने इनसे पूछा कि डॉक्टर शैलेश कहूँ या शैलेश कहूँ, तो कुछ सान्या ने कहा था कुछ राजकुमार ने कहा था, तो फिर से शैलेश ही कहें। नहीं आपने कहा था आप भी डॉक्टर हैं, बहुत फॉर्मल हो जाएगा ना। तो हाँ। राजकुमार राव भी डॉक्टर हैं, आपने घर का डॉक्टर। मतलब घर में किसी को सर दर्द होता है तो मैं बोल देता हूँ डिस्प्रिन खा लेना। तो अब आपसे डॉक्टर राजकुमार राव भी कह सकते हैं। आप तो कह रही थी कि मतलब मैं डॉक्टर होती तो जरूर अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाती। हाँ पक्का, इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर मैं डॉक्टर ना लगाऊँ अपना नाम के आगे तो फिर क्या फायदा। चल आप कौन से वाले डॉक्टर, मतलब दिल विल के डॉक्टर हैं? नहीं एक्चुअली मैं साइंटिस्ट हूँ, सो आई डिड माय पीएचडी किया मैंने, तो या ऑप्टोमेट्रिस्ट था पहले, उसके बाद पीएचडी करके आई स्पेशलिस्ट था, तो उसके बाद पीएचडी करके साइंटिस्ट बना, एसोसिएट लेक्चरर था, तो उसके बाद फिल्म मेकर बना। इनकी नजर बहुत पार की नजर है, अच्छी कहानी है। पढ़ा लिखा डायरेक्टर जब होता है तो मतलब एक्चुअली हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए अच्छा है कि जब ये कहानी भी लिखते हैं तो उतनी ही लगन से लिखते हैं। इन्होंने कुछ 300 रियल लाइफ क्राइम केसेस की पढ़ाई की, वो केसेस को स्टडी किया, उससे उनके हाई पॉइंट्स निकाल के हमारी फिल्म में डाले, तो जो भी आप फिल्म में देखेंगे वो कहीं ना कहीं एक्चुअली हुआ है। तो इसलिए इस फिल्म को इतना बिलीवेबल, इतना फास्ट पेस, इतना ट्विस्ट एंड टर्न्स है क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की। इनको लगा ये भी एक डॉक्टर का एग्जाम ही है, अच्छी फिल्म बनाना भी। अच्छा इन्होंने तो कोई ऐसे रीमेक्स किए नहीं थे कभी, तो व्हाई यू सिलेक्टेड देम? आई नेवर लाइक कभी रीमेक के लिए मैं कास्ट कर रहा हूँ वैसे कभी सोचा ही नहीं था मैं। एक्चुअली बोलना है तो जब ओरिजिनल बनाया था मुझे लगा कि ये वाइडर ऑडियंस के पास मैं अगर लेके जाऊँगा तो द ऑडियंस विल लव इट, एंड जैसे हर आर्टिस्ट का ग्रीड यही होता है कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस उसको हो, सबसे ज़्यादा लोग उसका काम देखें। सो मुझे लगा कि इस मूवी को ठीक से यू नो ट्विक इट टू द सेंसिबिलिटीज ऑफ पीपल हियर एंड उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाए विद वेरी गुड एक्टर्स, गॉट टेरिफिक एक्टर्स ऑन बोर्ड, तो लोग इतना ही लाइक करेंगे जितना ओरिजिनल को लाइक किए थे। तो एंड काफ़ी सारे चेंजेस भी मैंने किया, तो मैंने इसको रीमेक जैसा ट्रीट ही नहीं किया कभी, इसको मैंने रिक्रिएट करना है, सोल पकड़ के रिक्रिएट करना था, यही मेन इंटेंशन था। सो या जब इंटेंशन सही होता है तब आई थिंक वो रीमेक का वो निकल ही जाता है वो। तो ये मान गए थे आराम से, कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगे थे? पता नहीं आप बोलो।
तो मैं उन लोग ऐसे मत देख वो वाला लुक दे दिया एकदम नहीं उसके लिए मैं पीछे देख लेना मैं इसलिए पूछ रहा था कि कौन देता है मैं उन लोगों में से हूँ जो अगर राजकुमार राव की फिल्म आती है ना वो जरूर देखने जाता हूँ थैंक यू सो मच मतलब आई ऑलवेज वॉच और हर बार आपकी हीरोइन में मुझे क्रश हो जाता है नहीं ऐसा होता मतलब पहले कई बार ऐसा हुआ फिर क्योंकि मैं इतने प्यार से देखता हूँ ना हीरोइन की आंखों में लगता है कि यार यही है आपको भी लगता है जॉन्स की हाँ यार यही नहीं नहीं आप भी बहुत कुछ करते हैं तो आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा कि आप जब करते हो कुछ ना कुछ अलग करते हो मतलब एज अ जर्नलिस्ट भी हम फील करते हैं कि नहीं राजकुमार की फिल्म आ रही है तो यार ये कुछ तो होगी अभी यहाँ भी जब डिस्कशन हो रहा था तो ये था यार फिल्म तो अच्छी होगी मतलब एक पहले से एक सेट वो बन जाता है सो हाउ यू डिसाइडेड कि थैंक यू सो मच फॉर दैट मैं रीमेक करूंगा बहुत बहुत शुक्रिया हाँ मुझे पता है वो एक है एक खिताब दिया है आप लोगों ने ही और वो जिम्मेदारी भी है तो उस लेकिन उस जिम्मेदारी पर ये फिल्म पूरी तरह खड़ी उतरती है रीमेक का ये था कि जब लॉकडाउन चल रहा था उन दिनों तब मेरे पास बातचीत शुरू हुई हमारी कि एक फिल्म है उसको हिंदी में बनाना चाहते हैं तो मैंने सोचा कि देखते हैं फिल्म तो लॉकडाउन में हम सभी देख रहे थे फिल्म तो मैंने देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये कहानी मुझे ये किरदार एज एन एक्टर मुझे लगा बहुत स्कोप है इसमें बहुत कुछ करने का स्कोप है बहुत ग्रिपिंग थी मैं बहुत हुक था स्क्रीन पर दो घंटे के लिए बहुत फास्ट पेस थ्रिलर है फिर मैंने कहा बहुत अच्छी है लेकिन मैं एक बार डायरेक्टर से बात करना चाहूँगा कि उनका क्या टेक है क्योंकि इसको कॉपी पेस्ट तो करेंगे तो फ़ायदा नहीं है तो फिर मैंने जब शैलेश से बात की तो आई थिंक इंस्टेंटली आई गॉट कनेक्टेड विद हिम और बहुत ही टैलेंटेड है और जिस तरह की कहानियाँ ये कहना चाहते हैं जैसे ये कहना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं कॉमन इंटरेस्ट है हमारा उन्होंने कहा कि कैसे जैसे उन्होंने बताया कि बहुत कुछ बदलना चाहते हैं वो इसको एकदम नई फिल्म की तरह ट्रीट करना चाहते हैं व्हिच आई थॉट वाज अ ग्रेट वे टू यू नो टेल द सेम स्टोरी इन अ डिफरेंट वे कि आपको हिंदी ऑडियंस तक उस कहानी को पहुंचाना है कि एक अच्छी कहानी है तो ज़रूरी है कि वो सब तक पहुंचे क्यों नहीं जैसे स्टार इज बॉर्न जो है वो सेम कहानी बार बार बन चुकी है हमारे यहाँ पे भी बनी है आशिकी 2 भी बनी है स्टार इज बॉर्न बनी है बहुत पहले भी स्टार इज बॉर्न बनी थी तो कुछ कहानियाँ होती हैं अच्छी जिनको अगर आप अलग अलग लैंग्वेज में बनाए लोगों तक पहुँचाने के लिए तो उसमें कोई ख़राब बात नहीं है जस्ट टू ऐड टू दैट जस्ट वॉन्ट टू ऐड ऑन टू दैट मेरा सबसे बड़ा टेंशन ये था कि इनके साथ जब मेरा पहला फ़ोन कॉल हो रहा था मुझे ये डर था कि मे बी इनको ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा ही बनाना चाहिए क्योंकि मूवी जब किसी को अच्छे से लग जाता है ना तो शायद एक्सपेक्टेशन ये ना हो कि सेम टू सेम बना के दो मुझे क्योंकि मेरा टेक था कि इसको अलग सा ट्रीटमेंट दे थोड़ा बहुत चेंजेस भी करना चाहता था मैं तो ये बोलने के लिए पहले मैं डर रहा था कि शुड आई नॉट हाउ डू आई पुट इट यू देन व्हेन वी बोथ स्पोक मुझे समझ में आया कि राज भी वही पेज पे हैं सो देन इट बिकेम वेरी इजी वहाँ से बहुत आसान हो गया ट्रैवल भी अंदर डर क्यों रहे थे इतने प्यारे इंसान है ऐसा तो कुछ लगता नहीं इन्हें देख के हाँ अलग ही अभी घूरा था इन्होंने बड़ा वैसा मुझे तो मैं जब ये देखता हूँ थोड़ा सा विक्रम याद आ जाता है मुझे थोड़ा सा वो इंटेंसिटी आ जाती है क्योंकि पता नहीं ना कि यू नो फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर था मैं वहाँ पे इतना कुछ कॉन्टैक्ट्स भी नहीं है यू नो स्पीकिंग टू समवन हु इज एज बिग एज राज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द फोन मुझे पता नहीं था कि रिएक्शन कैसा होगा तो मैं स्लोली बताया कि ब्रो यू नो ऐसा है माइंड में कि बहुत सारे चेंजेस करने का है और इसको नए तरीके से प्रेजेंट करना है तभी सेंस बनता है ओरिजिनल डायरेक्टर को आके फिर से करने के लिए अगर कॉपी पेस्ट ही करना है तो कोई और भी कर लेता देयर इज नो नीड ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर टू कम एंड डू इट अगर सेम ही बनाना है तो मेरा रोल ये था कि सोल पकड़ो और कहानी में जो काम किया है उसको मत नहीं छोड़ के और बेहतर बनाना है सो इसके लिए क्या क्या कर सकते थे वो सब किए हमने विजुअली अलग से ट्रीट किया मैंने फिल्म को और प्लॉट पॉइंट्स भी बहुत सारे चेंज किया स्पेशली सेकंड हाफ में बहुत सारे चेंजेस किया हमने सो या दैट्स हाउ आई थिंक वी गॉट राज ऑन बोर्ड अगले क्वेश्चन से पहले आप दोनों से ये कि ये आपको लगता है साउथ वाले जो डायरेक्टर होते हैं एक्टर होते हैं बड़े क्यूट बड़े प्यारे से होते हैं और ये जब इतनी प्यार से चीजें बता रहे हैं हिंदी वाले भी होते हैं नहीं हिंदी होते हैं मतलब लेकिन वो वाले ज्यादा एक 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 है एक एक आई थिंक बहुत रियल है बहुत ग्राउंडेड होते हैं वो पता नहीं कैसे कहाँ से आता है पर है एक एक चीज़ मैंने भी देखी है कि साउथ से मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ भले एक्टर्स हों या डायरेक्टर्स हों तो बहुत रियल होते हैं बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं आपको सन्या लगा मुझे मतलब मैं वैसा डिफरेंशिएट नहीं करूँगी क्योंकि मैं हर जगह ऐसी लोगों से मिलती हूँ ना गिरी अगर कुछ बोल दिया तो फालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी फिर पता चलेगा अच्छा जब आप नॉर्मल कोई और फिल्म करते हैं जो रीमेक नहीं होती है कैरेक्टर की तैयारी होती है बट इसमें आपके सामने एक फिल्म थी आपने देखी या आपने देखी मैंने एक बार देखी थी जब हमारी इनिशियल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई थी उसके बाद मैंने दोबारा नहीं देखा उसे बिकॉज मैं नहीं चाहता था कुछ भी मतलब सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में कुछ रहे
और उसको देखने के बाद भी कुछ लगभग 13-14 महीने बाद हमने फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की, तो तब तक वो सब भी क्लियर हो गया था। तो मैं स्क्रिप्ट ही था मेरे हाथ में, स्क्रिप्ट को मैं कंसल्ट करता था, शैलेश से मैं डायरेक्ट बात करता था, तैयारी इसमें भी करनी पड़ी। ऑफकोर्स ये बहुत अलग किरदार है जो मैंने अभी तक किया है उनसे, एक पास्ट बैगेज है इसका, PTSD से स्ट्रगल कर रहा है, पैनिक अटैक्स हैं, तो उसके बारे में पढ़ाई, उसके रेफरेंस वीडियोस कैसे होता है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, तो उसकी पढ़ाई ज़रूरी थी, उसके लिए करना, उसको ऑथेंटिक तरीके से बिलीविलिटी के साथ करना, और फिर किरदार अपने आप में उसकी जो स्ट्रगल है, जो इन्वेस्टिगेशन में इतना वो घुस के करता है हमेशा हर चीज़ जो भी करता है, तो वो सब चीज़ों में भी लिखा एक्चुअली बहुत अच्छा था, तो सब कुछ जो है ज़्यादातर वो स्क्रिप्ट में ऑलरेडी अवेलेबल था। जब आप इस तरह का इंटेंस कैरेक्टर प्ले करते हैं, कुछ अपनी बॉडी पे भी उसका असर जाता है, क्योंकि आपने कहा मैंने पढ़ाई भी करी उसके लिए, मैंने रिसर्च, आप महीनों देते हैं एक कैरेक्टर के लिए तैयार करने में, सो कहीं ना कहीं अपने ऊपर कुछ ना कुछ असर आता है उस चीज़ का। कुछ एक सीक्वेंसेस है फिल्म में, स्पेशली जब उनको वो पैनिक अटैक से गुजर रहा है अपने, या कुछ ट्रिगर पॉइंट होता है उसकी लाइफ में, तो वहाँ पर फिजिकली और मेंटली दोनों बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो आप, और वो कहीं ना कहीं आपको थका देता है, तो आई वोंट से कि उससे एकदम निकल पाते हो आप, कहीं ना कहीं थोड़ा वक्त लगता है, ज़रूर लगता है उससे निकलने में, क्योंकि इतना आप पुश कर रहे हो, और ऐसा नहीं कि एक बारी में हो गया, 3-4 बार करना पड़ता है, और उसके पहले आप आधा एक घंटा यू ट्राइंग टू बी इन दैट जोन, आप बैठे हैं अपने अकेले में म्यूजिक लगा के, यू नो ट्राइंग टू बी मेंटली यू आर गोइंग देयर, तो वो एक प्रोसेस है अपना, उसमें वक्त लगता है जाने में भी, और उससे बाहर आने में भी थोड़ा वक्त लगता है। ऐसा होता है कभी सेट से घर पहुंचे जाके पत्रलेखा को भी ऐसे इसी लुक से देखा? लकीली हम लोग जयपुर में शूट कर रहे थे, तो जब घर पहुंचे थे होटल रूम में कोई होता नहीं था, तो दीवारों को ही डांट देता था मैं कि ब्लू कार है तुम्हारे पास ब्लू कार है, पर वो भी चुप रहते थे। 2-3 बार बहुत सा रियल एक्सपीरियंस हुआ मेरा कि जब लिखते हैं एक माइंड में लेके लिखते हैं ना, कि वो एक इमेजिनेशन के साथ लिखते हैं, जब एक आर्टिस्ट आके उसको इतना एम्पलीफाई कर देता है कि हम कट बोलना भी भूल जाते हैं एक एक टाइम पे। बहुत बार, एक बार दो बार, लाइक स्पेशली वो पैनिक अटैक्स वाला सीन जब राज भाई कर रहे थे, आई वुड लाइक टू शेयर इट इफ यू डोंट माइंड। सो ऐसा एक सीन था जहाँ पर बहुत बड़ा पैनिक अटैक हो जाता है, एंग्जाइटी अटैक में बेहोश हो जाते हैं एक जगह पे, तो मैंने राज भाई को मैंने एक्सप्लेन किया कि दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड आके किए वाज लुकिंग सो रियल, बाद में कट बोला तो उठ नहीं रहे, तो मुझे तब समझ में आया कि सच में बेहोश हो गए थे, यू एक्चुअली फेंटेड इन दैट, आई गॉट सो स्केर्ड, मैं भाग के गया, ही गॉट अप एंड आई हाँ अच्छा आया ओके देन, इनको लगा और कुछ हो गया तो मैं डायरेक्टर हूँ, मैं गया भाई। माइल्डर वर्जन ऑफ दैट ऑन सेट एंड टू बी इन फ्रंट ऑफ हिम, आई वाज क्वाइट लाइक आई हैड लाइक गूज बम्स व्हाइल आई वाज डूइंग दैट सीन विद हिम एंड टू सी हिम परफॉर्म। नहीं, आई एम श्योर ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, और मैं फैन भी हूँ आपका, मतलब एज अ जर्नलिस्ट हम कई बार होता है कि हम बोल देते हैं तो लगता है अरे यार आप तो जर्नलिस्ट हो, हाउ कैन यू बी बिहेव लाइक अ फैन, बट ठीक है, अच्छा सिनेमा अगर हमें कोई दिखाता है तो मुझे लगता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा एक चीज़, एक सवाल आपसे जो मतलब कई साल से मुझे लोगों ने कहा, जब राजकुमार राव मिले उनसे पूछना, एक क्लास में जो अच्छे बच्चे होते हैं, ऑफिस में जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, सारा काम उन्हें दे दिया जाता है, या जो एक तरह का काम करता है, आप इस तरह के करेक्टर रोल्स या इतने निभा लिए आपने कि आपको लगता है कि आपको वैसे ही रोल ऑफर होते हैं, आपको कोई बॉय नेक्स्ट डोर टाइप के रोल्स ऑफर नहीं होते, या कुछ वो रोमांटिक वोमेंटिक टाइप का जो बंदा होता है, एक दो किए हैं आपने, बट लगता है कि मैं अच्छा परफॉर्म करता हूं तो जो टफ रोल्स हैं वही मेरे अच्छी बात है, नहीं होते। मैं तो बहुत खुश हूं कि कोई मुझे एक तरीके से नहीं देखता है कि ये वाले किरदार जो है ये राज को देते हैं वो कर लेगा। मैं चाहता हूं एज एन एक्टर मजा उसी में है कि जब आप हर फिल्म में कुछ नया कर रहे हो, अगर आप भी सेम सवाल हर इंटरव्यू में पूछेंगे तो आपको भी लगेगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, मैं कुछ और कर लेता इससे अच्छा। तो सेम एक्टिंग के साथ भी ऐसे होता है कि अगर आप एक ही तरीके से बात कर रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज है आपकी और वही कपड़े पहन रहे हैं वैसे ही दिख रहे हैं, तो बहुत बोरिंग है, मेरे लिए पर्सनली बहुत बोरिंग है एज एन एक्टर, आई एम श्योर देखने वाले के लिए भी बहुत बोरिंग होता है एक पॉइंट के बाद। तो मुझे तो मज़ा एक्टिंग इसलिए करना चाहिए थे, इसलिए एक्टर बने थे कि किरदार निभाने हैं, ऐसे कैरेक्टर निभाने हैं जो लोगों तक पहुँचे, जो लोग उन किरदारों से रिलेट करें, उनको पसंद करें, उनको हंसाएं, उनको सोचने पर मजबूर करें, उनको रुलाएं, वही मज़ा एक्टिंग का, उसके अलावा कोई मज़ा नहीं है। ऐसे ही आप रहें, यही हमारी कामना, और ऐसे हिट रहें, आप दोनों हिट रहें और आप भी हिट फिल्में बनाते रहें डॉक्टर साहब, थोड़ी प्यार मोहब्बत वाली भी इसके बाद बनाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, और फिल्म तो हिट है बॉस,
इसमें कोई कहने की बात नहीं है, मतलब मैं तो पहले ही देख लूंगा। लकीली मुझे स्क्रीनिंग पे जाने का मौका मिल जाता है, अदरवाइज मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो जरूर देखता हूँ। 15 जुलाई को आ रही है, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। अब मैं उठ जाता हूँ जल्दी से, क्योंकि वो मुझे नहीं तो खींच के ले जाएगी कि टाइम पूरा हो गया। थैंक यू।